हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप सब बहुत अच्छे हैं। मार्केट खुल गया है, मतलब 9:03 हो गया है, प्री मार्केट ओपन हो चुकी है। लेट्स सी मार्केट क्या करता है। आज एक्सपायरी है और बैक टू एक्सपायरी मिलने वाली, बहुत मजा आएगा। एक्सपायरी डे का मस्त व्लॉग होगा आज, और साथ ही साथ जीरो हीरो भी होगा आज। फिर निफ्टी की एक्सपायरी, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। सो गाइस, यहाँ पे 43,000 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होके 43,080 रुपीज के आसपास गया, और फिर लोगों के SL हिट करवाया और नीचे यहाँ पे आपके सामने डे लो को ब्रेक कर दिया है बैंक निफ्टी ने। फिन निफ्टी की अगर हम डिस्कशन करें, फिन निफ्टी का ये हमारा बाइंग एरिया था 960 का। 960 से 19,040 पॉइंट का मूव दिया और फिर वापस से खड़े पैर वापस आ गया। तो एक छोटा सा ट्रेड मैंने लिया था, अभी फिर से एक छोटा सा ये 9 EMA के रिटेस्ट से मैंने ले लिया, जो पुट में जाने का हिम्मत नहीं है, कॉल में ही है। तो पहले वाला जो ट्रेड मैंने 19,000 का लेवल देख के काट दिया था, तो टोटल में 17,000 का प्रॉफिट चल रहा है। 10 लॉट अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं, तो देखते हैं ये क्या करता है। बाय द वे, ये आ गया है हीरो, ये देख ले, इधर देख ले, इधर देख ले, शर्मा क्यों रहा है? ये शर्मा रहा है भाई, इसका एटीट्यूड मत समझना। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि पीछे, पीछे, गंगा जी वाला, कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई एटीट्यूड इसका अलग है, तो एटीट्यूड नहीं, शर्मा रहा है ना भाई। सो गाइज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो मार्केट ऊपर खुला और फेक ब्रेकआउट था, फेक ब्रेकआउट को इसने फेल किया। मैं आपको कितनी बार समझाया हूँ, आप लोगों को, लाइव कोर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है, लाइव मार्केट में जिन्होंने है, जब ब्रेकआउट फेलियर होता है तो चांसेस आर वेरी हाई मार्केट आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में अच्छा खासा दिखा देगा, चाहे वो नीचे का ब्रेकआउट फेलियर हो चाहे वो ऊपर का। तो बढ़िया किया। मैं एक यहाँ पे 700 के आसपास से ना, ये लेवल से 728-730 के लेवल से मैं एक छोटा सा कॉल बाय किया हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 8,000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी। क्वांटिटी और भी थे बीच में, मैंने काट दिया है, छोटा सा क्वांटिटी मैं लेके जाऊँगा, तो 8,000 का प्रॉफिट चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं ये क्या करता है। फिलहाल की घड़ी यहाँ पे हम देखेंगे तो मार्केट रुक रहा है। अब मुझे लग रहा है यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर निकलना चाहिए। एक बार 800 के ऊपर सस्टेन करने लग गया तो मैं क्वांटिटी और ऐड कर लूँगा, बहुत ज़्यादा सिनेरियो रहेंगे ऊपर जाने के। सो गाइस, एक भाई यहाँ पे कह रहे हैं, सर आप डेली व्लॉग क्यों नहीं डालते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। भाई तभी अभी बज रहे हैं 12:25 और फिर निफ्टी का ये चार्ट है, लगातार ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ आया है। एक मुझे फिन निफ्टी में ना जीरो हीरो ट्रेड बहुत अच्छा लग रहा है, लेट्स सी कैसा वर्क करता है। 34 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा है। अगर ये एक्टिवेट कब करेंगे, अगर मार्केट कम से कम ये वाला जोन ब्रेकआउट करके ऊपर निकल रहा, अभी भी थोड़ा क्वांटिटी उठा सकते हैं, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कर रहा है इस लेवल को, 900 के लेवल को, 920 के लेवल को, तो एक बाइंग साइड का सिनेरियो दिखा सकता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या कर रहा है। गाइस, यहाँ पे हमने फिन निफ्टी में एक जीरो हीरो डिस्कस किया था, आप लोग को याद होगा, तो 41 रुपीज़ के आसपास वो आ चुका है। यहाँ पे नीचे 30 रुपीज़ के आसपास भी किया था और यहाँ पे 41-42 चल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया है। और मेरे वाला जो ट्रेड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जो मैंने 6 लॉट रखी हुई थी, वो अभी आ गया है 383 पे, अभी भी पड़ा रहेगा, ये कटेगा नहीं, अब ये बड़े प्राइस पे कटेगा। तो देखते हैं कैसा करता है, क्या करता है। बाकी 1:03 हो चुका है, मैं देख पा रहे हो। सो गाइज, बैंक निफ्टी फिर से थोड़ा सा नीचे आने लग गया और फिर निफ्टी का प्रीमियम हमारा जो जीरो हीरो था वो 30 रुपये पे आ गया है, और जो ट्रेड में मुझे 12-13 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा था, सिर्फ 7,000 का प्रॉफिट रह गया है। तो यहाँ पे 356 पे आ गया है, 7,000 का प्रॉफिट रह गया है। तो देखते हैं क्या करता है ये अगर रेंज ब्रेकडाउन कर देता है तो थोड़ा सा गिरावट का सिनेरियो भी हमें मिल सकता है, तो मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। तो मैं एग्जिट कहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 7,000 का प्रॉफिट है। जब ये प्रॉफिट मेरा कम हो के 2,000-2,500 रह जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, लॉस में नहीं एग्जिट करूंगा। अगर क्योंकि ये देखिए ये जो एरिया है ना, यहाँ से रिजेक्शन एरिया है, यहाँ से अगर इसको ऊपर जाना है तो ये ट्राई कर सकता है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। तो गाइज, यहाँ पे जो कॉल मेरे पास होल्ड था, मैंने 2,000 के प्रॉफिट में उसको एग्जिट कर दिया, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, क्योंकि ये देखिए नीचे की तरफ आ गया और यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकडाउन कर रहा है ये। तो मैं अभी ना पुट लेने के पक्ष में नहीं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है ध्यान से एक लर्निंग समझिए यार। जब भी ना आप ट्रेड कर रहे हो तो आप एक बार ना थोड़ा सा पीछे 2-4 दिन के पीछे का सिनेरियो देखिए मार्केट का। 2-4 दिन पीछे ना 700 का लेवल काफ़ी स्ट्रांग था इसके पास, और अभी अगर ये यहाँ से टूट रहा है तो हो सकता है 700 के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड करे फिर गिरे। तो एक बार मैं देखूंगा कि 700 के आसपास को अगर 700 का लेवल ब्रेकडाउन कर रहा है तो मैं पुट साइड में अच्छा खासा क्वांटिटी लेके बैठ जाऊँ। सो गाइज, यहाँ पे पुट में अच्छा खासा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, फ्लैग एंड पोल का ब्रेकडाउन हुआ है, तो मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बना लिया था छोटी सी क्वांटिटी का, पहले प्रॉफिट में थे और भी प्रॉफिट बढ़ गया यहाँ पे, तो 31,000 का प्रॉफिट यहाँ पे टोटल दिख रहा है आपको पुट में। तो ये मेरा आज मॉर्निंग में जो प्रॉफिट था उसी में हो रहा है, 6 लॉट पड़े हुए हैं अभी, आप देख पा रहे हो,
तो देखते हैं ये कहां तक लेके जा रहा है, 700 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो थोड़ा सा नीचे जाने की उम्मीद तो मुझे लग रही है। गाइस यहां पे फॉल आने लग गया है फ्लैग एंड पोल पैटर्न को ब्रेक करके, और हमारा प्रीमियम 425 अभी और भी अच्छा खासा लगा के आया है ऊपर, तो देखते हैं ये कहां तक लेके जाता है। 430 432 हो गया है, कहां तक लेके जाता है ये वेट करते हैं थोड़ा सा। अभी काफ़ी अच्छा गिरावट आ गया है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारे भाइयों के प्रॉफिट्स यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हमारा प्रीमियम था यार वो आ गया है अपना 550 के आसपास, सो यहाँ पे भाइयों के प्रॉफिट चल रहे हैं। एक एक लॉट में 2-2 हज़ार रुपये बने हैं भाई, किसी का 50 हज़ार है, किसी का कोई मिस भी कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है कि सारा दिन, देखिए एक चीज़ समझिए, सारा दिन ट्रेड मत करो यार, चलेगा जब मौका मिले ना तो फट्टे चक दो। यहाँ पे फिन निफ्टी में देखिए आग लगाया हमने, फिन निफ्टी में ना आग लगाया, माचिस जला के ऐसा सीधा आग लगा दिया। सर वो जीरो हीरो जो दिया था वो तो लॉस हो गया होगा भाई। जीरो हीरो हमने ट्रेड किया था 15 रुपये का स्टॉप लॉस से, 30 रुपये का था, 15 रुपये का स्टॉप लॉस से, 20 रुपये का स्टॉप लॉस से, यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने 29-30 रुपीज़ मूव कर दिया है। तो अगर आपको पता है एक्सपायरी का डे है तो 30 पॉइंट यहाँ पे मिनिमम मिल गए होंगे एट द मनी, अगर हम थोड़ा सा इन द मनी में ट्रेड कर रहे हैं तो 30 पॉइंट 25 पॉइंट है ना, तो फ्यूचर की तरह रिएक्ट करता है एक्सपायरी के दिन। तो बढ़िया कर रहा है बैंक निफ्टी भी, अगर हम देखेंगे काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट्स आ गए हैं यहाँ से, बॉक्स पैटर्न से हम देख कैलकुलेट करें तो 120 पॉइंट मिल गया है। तो बेसिकली क्या है, मार्केट में एक सही सेटअप, एक सही सिनेरियो के लिए बैठिए, बस मार्केट ऑटोमेटिक आपको पैसा देगा। देखिए कह के गिरा है यहाँ पे हमारा बॉक्स पैटर्न, हमारा फ्लैग एंड पोल कह के गिरा है यहाँ पे। तो अभी अगर देखिए तो प्रीमियम कहाँ पे आ गया है, और डरिए मत, होल्ड करने से मत डरिए। देखिए 460 रुपये हो गया, कब से होल्ड कर रहा हूँ मैं, 460 रुपये हो गया, तो चलता रहेगा ये, चलने देंगे जहाँ तक ये लेके जाता जब तक कि ग्रीन कैंडल ना आ जाए। सो गाइस यहाँ पे देखिए हैमर बना दिया है एक छोटा सा, और इसका वॉल्यूम भी हाई है अगर आप फ्यूचर में जाके देखोगे तो। यहाँ पे एग्जिट बन रहा है और यहाँ पे मैंने अपना क्वांटिटी थोड़ा सा एग्जिट कर लिया, अभी पूरा भी एग्जिट कर लूँगा। यहाँ पे देख पा रहे हो 430 रुपये आ गया प्रीमियम, 460-465 पहुँच गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा क्वांटिटी मैंने एग्जिट कर लिया है, और इसको मैंने एग्जिट किया था 56 पे एग्जिट किया था। तो थोड़ा सा और 5-7 मिनट वेट करेंगे इस कैंडल का, और उसके बाद फिर मैं सारा क्वांटिटी एग्जिट कर दूँगा। निफ्टी ने भी फुल टारगेट हिट किया है। तो भाई गाड़ी आया नहीं है, अभी से प्रैक्टिस शुरू हो गया है। सो गाइज ये ड्राइविंग सीख रही थी और गाड़ी चलाई आज काफ़ी बढ़िया, मतलब 10-11 किलोमीटर चलाई है ये। और कैसा लगा तुम्हें गाड़ी चला के? डर नहीं, मतलब मजा आया, मतलब फील हो रहा है कि हाँ मैं गाड़ी चलाई हूँ। हाँ बहुत मजा आ रहा है, लेकिन मेरे में डर है। डर देखो मैं निकाल नहीं पा, डर निकल जाएगा अभी यार, एक दिन दो दिन हुआ है, डर निकल जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो बस गाड़ी आने वाली है तो मैंने कहा चल यार सीख ले, सीखना जरूरी है। तो आज का डे की अगर हम बात करें ठीक ठाक सर, हाँ बोलना चाहूंगी, सीख लूंगी तो मैं ही चलाऊंगी, सीरियस बात है। हाँ हाँ, तुम्हें गुगु को स्कूल छोड़ने जाना और कुछ गुगु हो गया है, मैं भी साथ में ही गया था, मैं कहा कि चलो मैं भी साथ में चलता हूँ, तो गुगु हो गया है। और रहा बात आज के डे की, बात तो उतना खास रहा नहीं, प्लस में ही बंद किए हैं बट उतना खास नहीं रहा। जीरो हीरो में एक हमने प्लान किया था छोटा सा ट्रेड, फुट साइड में आप लोग को पता है मैंने एक ट्रेड किया था, मैं काट लिया था, और उसके बाद फिर जीरो हीरो में भी एक ट्रेड लिया हमने फुट साइड में, और वो भी हमारा जो है एक बार 30 रुपीज़ का प्रीमियम 42 तक गया, और उसके बाद वो भी 20 रुपये का स्टॉप लॉस था, तो वो स्टॉप लॉस सेट कर इंडिकेटर नहीं किया इसमें। हाँ, तो रास्ते में भाई निकलना भी बहुत मुश्किल है, हमें चाहे हम जितना मर्जी संभाल के चलाएं सामने वाले का नहीं पता होता कि वो क्या करते। चलो होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा है, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।